अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में हम दी पेंट प्रोजेक्ट का रिव्यू करेंगे। मैंने दी पेंट प्रोजेक्ट की वेबसाइट से एक महीने पहले इबोनी ब्लैक फॉर्मल स्ट्रेच पेंट ख़रीदा था और इसे एक महीने पहले मैंने ख़रीदा था और इस पेंट को मैं 6 से 7 बार यूज़ कर चुका हूँ। इसे 6 से 7 बार वॉश कर चुका हूँ। तो आफ्टर यूसेज के बाद इस पेंट की ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, इसका आज मैं रिव्यू करूँगा। सबके यूज़र के मन में पहला क्वेश्चन ये होता है कि इस पेंट का कलर क्वालिटी कैसी है। तो इसकी कलर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। क्या इसका कलर वॉश करने के बाद फेड होता है? तो मैं कहूँगा नहीं, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कि इसका कलर फेड हुआ हो। मैंने बड़े ब्रांड के भी शर्ट पेंट यूज़ किए हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एक दो वॉश करने के बाद, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा भी कलर उसका फेड हुआ होता है, थोड़ा भी कलर उसका जाता है। लेकिन दी पेंट प्रोजेक्ट के पेंट के अंदर मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि इसका कलर फेड हुआ हो। इस पेंट को धोने के बाद कलर फेडिंग नहीं होता है। बात करें इसके फैब्रिक की, तो ये पेंट 3 फैब्रिक से बना है, पॉलिस्टर, इलास्टन्स और विस्कोस। इसकी फैब्रिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये 4-वे स्ट्रेचेबल है। इसका रिंकल रेजिस्टेंस भी बहुत ही अच्छा है। बात करें इसके फिट की, तो स्लिम फिट का ये पैंट है। मैंने पैंट ख़रीदा जब, जो भी मैंने मेज़रमेंट दिया था बिल्कुल वैसा ही पैंट था और फिटिंग के मामले में बहुत ही अच्छा पैंट है। फिटिंग के मामले में ऐसा है कि ये पैंट पहनने के बाद मुझे एकदम टाइट भी फील नहीं होता और बिल्कुल लूज़ भी फील नहीं होता, बहुत ज़्यादा लूज़ भी फील नहीं होता और टाइट भी फील नहीं होता। इस पैंट को पहनने के बाद मुझे रिलैक्स फील होता है। मेरा ऐसा कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस फिटिंग के मामले में नहीं रहा है। इसका वेस्ट बैंड भी बहुत ही अच्छा है और इसका वेस्ट भी इसकी बहुत ही अच्छी है। फिटिंग के मामले ओवरऑल ये पैंट बहुत ही अच्छा है। और बात करें इसके लुक की, तो ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है। आप इसे फॉर्मली, कैजुअली, हर तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। और बात करें इसके प्राइस की, तो ये पेंट आपको दी पेंट प्रोजेक्ट का उसकी वेबसाइट से 2500 से लेके 3000 के आसपास मिल जाता है। प्राइस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, वो कंपनी पर डिपेंडेंट है और मैं आपको कह दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। प्राइस के मुकाबले इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है तो उसके साथ इसकी प्राइस भी हाई है, लेकिन हाई प्राइस होने के बाद इसकी क्वालिटी बेहतरीन है। मेरा कोई ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मैं कहूँगा अब तक मैंने बहुत सारे पैंट ख़रीदा है, उसमें से सबसे अच्छा कोई बेस्ट पैंट है तो वो है दी पैंट प्रोजेक्ट का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।